आज के 11 दिसंबर की ईश्वरीय वरदान में परमात्मा पिता हमें कहते हैं कि हमें अपने आप से संतुष्ट तो रहना ही है, लेकिन हमें इसके अलावा दो और सर्टिफिकेट्स, एक्चुअली देखा जाए तो 3 सर्टिफिकेट्स हमें अपने जीवन में कमाने हैं। इंसान जब अपना शरीर छोड़ के जाता है या शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसके सामने चित्रगुप्त, उसके आंखों, इन आंखों के सामने नहीं, अंदर के मन की आंखों के सामने उसके बहुत सारे चित्र घूमते हैं। उस समय उसको याद आता है कि उसने किस किस को सताया, किस किस को दुखी किया, किस किस को संतुष्ट किया। तो परमात्मा इसी तरीके से कहते हैं कि क्या आपके पास में वो 3 सर्टिफिकेट हैं? बिकॉज अगर आपके पास में 3 सर्टिफिकेट नहीं है तो आप खुशी खुशी शरीर नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब आप मुक्ति में जाने का सर्टिफिकेट नहीं लेके जा सकते। और साथ ही साथ सतयुग, जिसको कहते हैं स्वर्ग, सतयुग में जाने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सकता है। तो देखें परमात्मा कहते क्या हैं। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा, कर्म कैसे, श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा। योगी इंसान जो होता है, व्यक्ति जो होता है या आत्मा जो होती है, उसकी इच्छाएं कम होती हैं औरों से और अपने आप से भी। वो हर चीज, हर संकल्प औरों को संतुष्ट और परमात्मा को संतुष्ट करने में लगा देता है, जिस कारण से वो खुद भी संतुष्ट रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म और योगी जीवन द्वारा संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने वाले संतुष्ट मणि भवा। लेकिन किसी गलत कर्म के लिए किसी और को संतुष्ट करना, हाँ में हाँ करना, इसका ये मतलब नहीं है। कोई लोभी बन रहा है, आप भी उसके साथ में लोभी बन जाओ। कोई अगर अहंकारी बन रहा है, आप भी अहंकारी बन जाओ ताकि वो बुरा ना माने कि आपने उसका साथ नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं हुआ, उसमें परमात्मा को का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। भल आत्माओं को आप खुश कर दें, आत्माओं को आप सहयोग कर दें गलत कार्य करने में, लेकिन वो नहीं आपको सर्टिफिकेट देंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। बैलेंस, ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूं दूसरे हो या नहीं, आई डोंट केयर, जो आजकल चलता है आई डोंट केयर। योगी जीवन वाले का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है, क्योंकि वो सबसे पहले औरों को आगे रखते हैं, औरों को आगे बढ़ाते हैं, औरों का भला सोचते हैं और आगे बढ़े। और वो जानते हैं ये सीक्रेट, औरों को आगे बढ़ाने में ही खुद आगे बढ़ना है। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है या उससे असंतुष्ट रहते हैं, वो खुद से भी असंतुष्ट है, नहीं हो रहा, क्या करें, कैसे करें, मेरे से नहीं होता, मैं ऐसे ही हूं, मेरे से ऐसे ही होता है, खुद से असंतुष्ट है और उनसे असंतुष्ट रहते हैं, तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। योग युक्त मतलब परमात्मा की कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई शक्तियों को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई कार्य या किसी व्यक्ति से संपर्क संबंध में आते हुए। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, 3 टोटल। पहला, एक स्वयं से संतुष्ट कि हाँ मैंने जो ये कार्य किया, मैंने हल्के होकर कार्य किया, मैंने किसी में उथल पुथल नहीं किया, ना अपने आप में मैंने कुछ उथल पुथल किया, ना मैं किसी उत्तेजना में आया कर्म करते हुए, ना मुझे गुस्सा आया, गुस्सा को इस्तेमाल करते हुए कर्म नहीं करवाया मैंने, अहंकार को इस्तेमाल करते हुए कर्म नहीं करवाया, ईर्ष्या को इस्तेमाल करते हुए कर्म नहीं करवाया मैंने, क्या करा मैंने, तो जाकर के खुद से संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो अंदर ही अंदर काम तो करवा लिया लेकिन अंदर ही अंदर असंतुष्ट, अकेलापन, खोखलापन महसूस होता है। हम काम करवाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम और को संतुष्ट करने के लिए आए हैं, काम ऑटोमेटिकली हो जाता है उसके बाद में। फिर परमात्मा कहते हैं वह स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा कौन संतुष्ट, बीच में बाप संतुष्ट, परमात्मा पिता संतुष्ट हमारे कर्म से, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। लौकिक परिवार को संतुष्ट करना और अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार को संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप एक लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दें, लो मतलब पैसे के पीछे भागना शुरू हो गया। लौकिक परिवार खुश होगा, अरे वाह प्रमोशन मिल गया, अरे वाह तुम्हारी कमाई डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, लेकिन वो इतना आगे भागते गए, इतना आगे भागते गए कि उनको संतुष्ट करने के चक्कर में आप परमात्मा से दूर होते गए। बैलेंस। और फिर अलौकिक परिवार संतुष्ट कि ये नहीं कि मैं ही आगे बढ़ूं, मेरा ही ज्ञान लोग सुने, मुझसे ही बातें सुने, मेरी ही बातें सुने इंसान, हमें औरों को आगे बढ़ाना है, हमें परिवार बनकर के आगे बढ़ना है, अकेले कोई भी आगे बढ़ नहीं सकता। तो उससे अलौकिक परिवार भी संतुष्ट, हमारे बिहेवियर से संतुष्ट, हमारी सोच से संतुष्ट और हमारे कर्मों से संतुष्ट। परमात्मा कहते हैं ये 3 सर्टिफिकेट लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि, तब हम क्या बन जाएंगे, संतुष्ट मणि आत्मा, सोल जो कि बहुत ही संतुष्ट है अपने आप से,
परमात्मा उनसे संतुष्ट है। परमात्मा संतुष्ट है कैसे पता चलेगा? आप जब मेडिटेशन करते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं या जब भी आप मेडिटेशन करते हैं उस समय आपको परमात्मा का प्यार मिल रहा होगा, परमात्मा की खुशी मिल रही होगी, अंदर आ रही होगी, आपको महसूसता होगी हल्केपन की, नहीं तो भारीपन होगा। पिछले दिन का कर्म अच्छा नहीं हुआ, अगले दिन सुबह भारीपन, उसी समय कर्म अच्छा नहीं हुआ भारीपन, परमात्मा को याद करने में प्रॉब्लम होगी। आप क्रोध कर लीजिए 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, फिर परमात्मा को याद करने की कोशिश करिए। मन भटकेगा, वो व्यक्ति याद आएगा, वो वस्तु याद आएगी, वो सिचुएशन याद आएगी। ना खुद से संतुष्ट हुए, ना परमात्मा आपसे संतुष्ट हुए, और ना ही दुनिया वाले लोग संतुष्ट हुए, और ना ही अलौकिक फैमिली, मतलब कि स्पिरिचुअल फैमिली ब्रह्म कुमारी आपसे संतुष्ट हो गई आपके कर्म देख करके। इसलिए प्रमाण कहते हैं जब ये 3 सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे संतुष्ट मणि। तो आप इस चीज को कैसे प्राप्त करें कि आप तीनों के सर्टिफिकेट ले पाए, इसके लिए ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसका गहन अध्ययन किया जाता है। सिंपल है, प्रैक्टिस में लाना है, और साथ ही साथ निःशुल्क है। आप जाकर के सीखें वहां पर जाकर के। इसके साथ ओम शांति।